हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं बाका भाई लौट आया हूँ एक और नए एपिसोड के साथ, अ गाइड टू सीजनल एनीमे के। एक ऐसी सीरीज जिसमें मैं आपका टूर गाइड, आपको गाइड करता हूँ कि अगले सीजन में मैं क्या देखने वाला हूँ और कौन से शो से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको क्या देखना चाहिए वगैरह वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ माय एनिमे लिस्ट खोल रखा है और हम इसमें देखने वाले कि अगले सीजन में कौन से शोज आने वाले हैं। और अगले सीजन से मेरा मतलब है स्प्रिंग 2021। अगले सीजन में कौन से शोज आने वाले हैं, उसमें से मैं क्या क्या देखने वाला हूँ। और क्योंकि आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ तो इसलिए मैं इससे काफी क्विक रखूंगा इस वीडियो को, सिंपल एंड शॉर्ट। सीधा टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम। सबसे पहले है बोकु नो हीरो अकेडमी का 5th सीजन। तो मैंने अभी तक 4th सीजन ही नहीं देखा, पर जिन जिन ने देखा है उन्होंने मुझे बताया कि काफी बढ़िया था 4th सीजन और डेकू और ओवरऑल की फाइट काफी ऑसम थी और काफी हाइप हूं मैं 5th सीजन देखने के लिए भी और 4th सीजन देखने के लिए भी। मैंने कहा कि मैं बिजी हूं तो मैं यही बिजी हूं कि आज मैं 4th सीजन देखने वाला हूं, पूरा कॉट अप करने वाला हूं ताकि 5th सीजन के लिए मेरे अंदर वो हाइप बनी रहे। तो मैं माय हीरो अकेडमी का 5th सीजन देखने वाला हूं, पहले 4th देखने के बाद। अगला शो है हाउ नॉट टू समन अ डीमन लॉर्ड का 2nd सीजन। मैं इसका मांगा पढ़ता था और मेरे ख्याल से मैंने 1st सीजन का तो पूरा पढ़ रखा है, इसलिए मैंने 1st सीजन देखा नहीं था क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं था उसका एनिमे देखने में। पर अगर आपको इसेकाई पसंद है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा क्योंकि एक टिपिकल इसेकाई है जो आपको, अगर आप इसेकाई फैन हो तो आपको काफी पसंद आएगा। मैं पर्सनली इतना बड़ा इसेकाई फैन नहीं हूं, पर फिर भी आई एम श्योर अगर आप है तो आपको काफी पसंद आएगा। मैं देखूंगा कि नहीं ये तो पता नहीं, पर रेकमेंड जरूर करना चाहूंगा इसेकाई फैंस को। अगला शो है प्लीज डोंट बुली मी नागातारो। इसका भी मैं मांगा बहुत टाइम पहले पढ़ता था, अब तो पता नहीं कितना आगे निकल गया होगा। काफी इंटरेस्टिंग मांगा है और आई एम श्योर एनिमे भी काफी अच्छा होगा इसका। इसमें वही नया ट्रेंड जो चालू हुआ था बीच में टीज वाला, वो इसमें कंटिन्यू किया है। ताकागी-सान आने के बाद काफी सारे मांगा ऐसे आए थे जिनमें सेम कंसेप्ट यूज होता था और उसी ट्रेंड में फ्लो होते हुए ये शो आया था, ये सीरीज आई थी प्लीज डोंट बुली मी नागातारो। और सच कहूं तो ये एक अच्छा मांगा है, ताकागी-सान के जितना अच्छा तो नहीं है पर अच्छा ही है। और इसका एनिमे भी काफी अच्छा होगा, अगर आपको वो टीजिंग की वजह से कवाई मोमेंट्स वाले चाहिए तो ये आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। अगला है स्टाइम दत्ता केन का एक स्पिन ऑफ सीरीज आ रहा है, डियर डायरी आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम। मैंने अभी तक 1st सीजन ही नहीं देखा इसका, 2nd सीजन भी आ गया अभी तो, और ये स्पिन ऑफ भी आ रहा है। दैट टाइम आई गॉट रीइनकार्नेटेड एज अ स्लाइम काफी अच्छा सीरीज है मैंने सुना है और मैं काफी इंटरेस्टेड भी हूँ देखने में, पर फिलहाल मेरा मन नहीं है। पर हो सकता है कि मैं ये आने से पहले 1st 2nd सीजन दोनों देख के कॉटअप कर लूं। तो अगला है एनिमे फुमेत्सु नो अनाताए या टू यू द इमोर्टल या टू योर इटर्निटी। जैसा कि मैंने कहा अपने इस वाले वीडियो में, ये मांगा एक मास्टरपीस है और मैं सबसे ज्यादा इसके एनिमे के लिए हाइप्ड हूँ इस सीजन या इस साल में कहे तो, इसे तो मैं डेफिनेटली देखने वाला हूँ। अगला है ज़ॉम्बीलैंड सागा रिवेंज, ज़ॉम्बीलैंड सागा का 2nd सीजन। मैंने अभी तक 1st सीजन ही नहीं देखा तो पता नहीं मैं क्या कहूँ इसके बारे में, पर अगर आपने 1st सीजन देखा तो डेफिनेटली आप 2nd सीजन के लिए काफी हाइप्ड रहे होंगे। मैंने देखा होता तो मैं भी होता सैड। काफी अच्छी सीरीज है सुना है मैंने, तो 2nd सीजन आने से पहले मैं 1st सीजन भी देख के कॉट अप कर लूंगा। अगला एनिमे है फ्रूट्स बास्केट का फाइनल सीजन, जो उसके रीमेक का फाइनल सीजन आने वाला है। फ्रूट बास्केट के रीमेक का फाइनल सीजन, तो मैं क्या कहूँ, मैंने अभी तक 1st सीजन ही नहीं देखा तो फाइनल सीजन में कैसे देख सकता हूँ। पर शुरू कर दूंगा मैं और खत्म भी कर दूंगा। ये फाइनल सीजन आने तक तो मेरा शायद कॉट अप नहीं होगा, पर फाइनल सीजन खत्म होने के बाद मैं पूरा का पूरा बिंज वॉच करने वाला हूँ। अगला है शामन किंग 2021, शामन किंग का रीमेक। अगर आपको एकदम ओल्ड स्कूल और एकदम टिपिकल ओल्ड स्कूल शोनेन देखना है तो आप शामन किंग में आपको हाईली रिकमेंड करूंगा, काफी बढ़िया सीरीज है। पर ऐसी सीरीज है कि पता नहीं अभी इसका रीमेक आ रहा है, मैं आपको कह नहीं सकता। ये ऐसी सीरीज है कि आप देख के बोलोगे ओ माय गॉड दिस मस्ट हैव बीन सो ग्रेट व्हेन इट वाज फर्स्ट एयर्ड। पर इसकी स्टोरी मुझे नहीं लगता कि मतलब अभी भी अच्छी रहेगी, पर एकदम कैप्टन सुबासा की तरह है जिसका अभी रीमेक आया था, कि मतलब स्टोरी अच्छी है और ओवरऑल बनाया भी अच्छा है, लेकिन काफी ओल्ड टाइम टाइप का शो है। भले नए टाइम में आने के बाद भी अच्छा ही लगेगा, लेकिन आपको देख के लगेगा कि काफी पुराने जमाने का शो है। आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगला है मायरी मास्टा इरुमा कुन का 2nd सीजन। तो वही मेरा डायलॉग जो मैं हर बार कहता हूँ, इसका भी मैंने 1st सीजन नहीं देखा, पर इसका तो 1st सीजन म्यूजिशन में अवेलेबल है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मायरी अकेडमी से पहले इसे ही देख के खत्म करूँ। नॉडी ने इसे देखा और मुझे रिकमेंड भी किया,
उसने कहा देखने, तो मैं सोच रहा हूँ इसे देखना चालू करूँ। तो अगला शो जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये एक लाइट नॉवल से अडेप्टेड है और इसका जैपनीज नाम तो मैं नहीं पढ़ने वाला क्योंकि इसका इंग्लिश नाम मैं आपको पता पढ़ के बताऊंगा, वो ही आपको पूरा गिव अवे कर देगा इस शो के बारे में। तो है आई शेव्ड देन आई ब्रॉट अ हाई स्कूल गर्ल होम, या शॉर्ट में इसे हिगे हीरो भी कह सकते। ये लाइट नॉवल से अडेप्टेड है, इसके नाम से पता चल गया होगा। और इसका स्टोरी मैंने पढ़ा, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। मैं नहीं जानता ये अच्छा होगा या एवरेज होगा या हो सकता है बुरा भी नहीं, पर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है सच कहूं तो। ऐसा है कि मतलब मैं फर्स्ट एपिसोड देख के देख सकता हूँ, क्या पता कैसा निकलता है। अगला शो है मेगालोबॉक्स का सेकेंड सीजन। मेगालोबॉक्स का जब फर्स्ट सीजन एयर हो रहा था मैंने पहले दो एपिसोड देखे थे, पर उसके बाद मैंने सोचा था कि जब खत्म होगा तो पूरा बिंज वॉच करूंगा, और उसको 2 साल हो गए, 3 साल होने आ गए, 3 साल नहीं शायद 2 साल हुए, 2018 में आया था या 19 में आया था क्या पता। तो अभी तक मैंने फर्स्ट सीजन ही खत्म नहीं किया, पर ये तो डेफिनेटली एक ऐसी सीरीज है जो मेरे लिस्ट में है जो मुझे खत्म करनी है। ऐसे कितने सारे शोज हैं जिसको मैंने एक या दो एपिसोड देख के छोड़ दिया, सोचा खत्म होने के बाद देखूंगा, पर आज तक खत्म नहीं कर पाया। स्पेशली ये लास्ट 3 सालों में, मेरे ख्याल से मैंने ये लास्ट के 3 सालों में जब से मैंने अपना यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया, फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा, पर सेकेंड थर्ड ईयर और लास्ट के 3 सालों में मेरे ख्याल से मैंने मुश्किल से 10 एनिमे देखे होंगे। तो काफी कुछ है कैचअप करने के लिए कम्युनिटी के साथ, और मैं सोच रहा हूँ कि अभी सारे शोज चालू कर दूं जो भी मैंने मिस किए इन 3 सालों में, और मेगालोबॉक्स उस लिस्ट में सबसे ऊपर है। अगला शो है जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और वो है स्टाइम तोशिते 300। मतलब मैं आपको बताता हूँ कि यह है कि ये इसेकाई है और काफी स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी फैंटेसी जैसा इधर लिखा है, स्लाइस ऑफ लाइफ तो लिखा है, पर काफी काफी सिंपल है और काफी गुड वे में सिंपल है। तो इसमें जो हीरोइन रहती है वो ऑफिस वर्कर रहती है, सैलरी वुमन रहती है, जो ओवरवर्क करने की वजह से मर जाती है और फिर रीइनकार्नेट होती है एज अ विच, पर उसको एकदम पीसफुल लाइफ चाहिए रहती है, तो वो एक पीसफुल जगह पे जाती है और वहां पे स्लाइम्स को मारती है टाइम पास के लिए कि उनको मारेगी और जो स्लाइम्स से मिलता है उसको बेच के पैसे कमाएगी। और क्योंकि वो इमॉर्टल रहती है तो वो 300 साल तक मारते रहती है और फिर वो एकदम ओवर पावर्ड जाते हैं, यानी कि वो सबसे स्ट्रांग बन जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। और ये काफी कैसे कहूँ, काफी एकदम मेरे टाइप का शो है अगर मैं आपको कहना चाहूँ तो, जो अगर आप स्ट्रेसफुल डे में है या फिर अगर आप सीजन में देख रहे हैं तो आपको हर हफ्ते रुक के एक एपिसोड देखने में काफी मजा आएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अगला है यूकोकु नो मोरियार्टी का सेकेंड सीजन। इसका फर्स्ट सीजन भी शायद पिछले सीजन में आया था, पिछले सीजन में, और मैंने मेरे पीसी में डाउनलोडेड है पर मैंने अभी तक देखा नहीं क्योंकि इसका नाम है मोरियार्टी था, और मोरियार्टी अगर आपको नहीं पता तो गूगल में सर्च कर लो, और इसमें शेरलॉक होम्स था। हाँ, अब मुझे याद है, इसकी स्टोरी मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी थी और शो भी देखा जाए तो काफी इंटरेस्टिंग था, और मेरे ख्याल से ये अवेलेबल है म्यूज एशिया में, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो। मैं भी इसे देखने में इंटरेस्टेड हूँ, मैं भी देखूंगा, अभी सेकेंड सीजन आ रहा है तो आने से पहले फर्स्ट सीजन देखूंगा। अगला शो है टोक्यो रिवेंजर्स। टोक्यो रिवेंजर्स मांगा से अडेप्टेड है, पर मैंने इसका मांगा ना ही पढ़ा है ना ही नाम सुना है, पर मैंने इसकी स्टोरी पढ़ी जो यहाँ मायने में लिस्ट में दी, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं डेफिनेटली ये देखने वाला हूँ। और अगला शो है जो कि काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि काफी अच्छा है या काफी अच्छा होने वाला है, इनफैक्ट मुझे इससे हाई होप्स ही नहीं है, पर ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और इसका नाम है द रोम कॉम वेयर द चाइल्डहुड फ्रेंड वोंट लूज। तो जैसा कि आप अगर आप एनीमे बहुत टाइम से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि ये एक बहुत ही फेमस ट्रोप है ओसानांजी या चाइल्डहुड फ्रेंड वाला, जिसमें हमेशा आपको बिट्रेड फील होता है या रोना आता है कि कोई भी रोम कॉम ऐसा रहता है कि उसमें हीरो की एक चाइल्डहुड फ्रेंड रहती है जिसको हीरो पे क्रश रहता है, लेकिन राइटर ने उसको सिर्फ उसका कैरेक्टर ऐसा बनाया रहता है कि हर किसी को पसंद आती है, सब उसके फैन हो जाते हैं, लेकिन कभी भी उसके साथ हीरो का फिक्स नहीं रहता, हीरोइन कोई और ही रहती है हमेशा, और सिर्फ लोगों को बुरा फील कराने के लिए, सैड फील कराने के लिए कि अरे। तो ये डेफिनेटली मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि मतलब इसका स्टोरी ऐसा है कि ये एक ऐसा रोम कॉम है जिसमें जो चाइल्डहुड फ्रेंड है वही मेन हीरोइन है, जो कि कभी हुआ नहीं है, इतिहास गवाह है। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है, पता नहीं कैसा जाएगा पर डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, मैं देखने वाला हूँ। और अगला शो भी काफी इंटरेस्टिंग है, वैसे इस सीजन में काफी सारे इंटरेस्टिंग शोज आ रहे हैं, यानी कि जिसके लिए मैं इंटरेस्टिंग वर्ड यूज कर सकता हूँ और वो यूज करना गलत भी नहीं हुआ। अगला है 86, जिसे A1 पिक्चर्स प्रोड्यूस कर रहा है। A1 पिक्चर्स जाना जाता है अपने ऐसे शोज के लिए जो कि मतलब बने होते हैं पॉपुलर होने के लिए, ब्लो अप होने के लिए, चाहे वो कोई भी शोज हो, और उन लोग इसे बना रहे हैं
86 को। काफी इंटरेस्टिंग लगी मुझे इसकी स्टोरी। वॉर ड्रामा है, मिलिट्री ड्रामा, साईफाई भी, तो काफी। और इसका पोस्टर भी मुझे सबसे पहले इसके पोस्टर ने अट्रैक्ट किया, इसका पोस्टर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। अगला है SSSS डायना जनोन। तो मैंने अभी तक SSS ग्रिडमैन ही नहीं देखा, ग्रिडमैन या ग्रिडमैन, पर मैं उसे देखने में इंटरेस्टेड नहीं था और मैं इसे देखने में इंटरेस्टेड नहीं। और भी काफी सारे शोज हैं यहाँ पे, पर मुझे जल्दी करना होगा क्योंकि ये वीडियो काफी बड़ा हो रहा है, मैं सबके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो अगला शो है ये सिंटोइन हाकेनशिमासु या हाकेनशिमास। इसका भी पोस्टर काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, जेसी स्टाफ इसे प्रोड्यूस कर रहा है। इसका स्टोरी मैंने पढ़ा नहीं, पर सिर्फ पोस्टर इसमें बोलना रहा तो शायद मैं देख सकता हूँ। इंटरेस्टिंग तो लग रहा है, इंटरेस्टिंग है पर देख सकता हूँ मैं। अगला है कोई तो योबुनी वा किमुची वारुई। और इसके ये भी जैसा कि मैंने काफी सारे शोज के लिए कहा, इस सीजन में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, मैं डेफिनेटली ये देखने वाला हूँ। पता नहीं कैसा जाएगा, हो सकता है ये बुरा निकले, पर इतना इंटरेस्टिंग शो एटलीस्ट एक एपिसोड देखना तो वर्थ करता ही है। जिस तरीके से इसका स्टोरी है, और मैंने टीजर भी देखा, टीजर भी काफी अच्छा लग रहा था, वैसे सीजन शोज की तरह लग रहा था जो आप सीजन में देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आप अलग से टाइम नहीं निकालोगे शायद इसे देखने के लिए, पर सीजन में आप डेफिनेटली इसे देखोगे और एंजॉय करोगे। अगला है मार्स रेड। मार्स रेड की मैंने स्टोरी पढ़ी और मुझे जरा भी इंटरेस्टिंग नहीं लगी, काफी सारे लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी। और ऐसा नहीं कि इसकी स्टोरी बेकार है, पर एटलीस्ट जिस तरीके से इन लोगों ने यहाँ दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा जो बीच वॉनबी शोज आते हैं बीच बीच में, आपने काफी सारे देखे होंगे कि मतलब जो जैसे हैं उससे ज्यादा बनने की कोशिश करते हैं, मतलब ऐसा सेल आउट करते हैं अपने आप को उससे ज्यादा जितना वो एक्चुअली डिजर्व करते हैं, या इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन। अगला शो है और फाइनल शो जिसके लिए मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ, वो है शाकुनित्सु कबड्डी। इसे TMS एंटरटेनमेंट प्रोड्यूस कर रहा है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, मैंने इसके ऊपर जो बनाया था। तो कबड्डी मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स है, बचपन में स्कूल के बाद प्लेग्राउंड में काफी कबड्डी खेला है मैंने। और कबड्डी काफी ऐसा स्पोर्ट्स था पहले, यानी कि स्पोर्ट्स नहीं कह सकते उसे, काफी ज्यादा गेम था। और फाइनली प्रो कबड्डी लीग के वजह से कबड्डी एक फेमस स्पोर्ट्स बन चुका है। स्पोर्ट्स की बोल रहा हूँ बार-बार, स्पोर्ट्स तो बहुत फेमस स्पोर्ट्स बन चुका है कबड्डी। और मैं डेफिनेटली एक्साइटेड हूँ इसका एनिमे देखने के लिए, क्योंकि एनिमे आने के बाद कबड्डी और फेमस हो जाएगा, और कबड्डी फेमस होने की वजह से ये एनिमे भी और फेमस हो जाएगा। और स्पोर्ट्स एनिमे तो इन जनरल काफी अच्छे होते हैं, काफी एंटरटेनिंग होते हैं, तो मैं हाईली एक्साइटेड हूँ इसका एनिमे आने के लिए। और मेरे ख्याल से इस सीजन का मेरा सेकेंड मोस्ट एंटिसिपेटेड शो है ये, टू योर एटर्निटी के बाद शाकुनित्सु कबड्डी। आई रियली होप कि ये काफी अच्छा निकले, तो देखता हूँ। और कोई हाँ, एक शेडोज हाउस भी है जिसके लिए मैं काफी नहीं पर मैं इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए कि कैसा निकलता है, क्योंकि इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता अभी। हो सकता है ये काफी अच्छा निकले, या हो सकता है ये ठीक ठाक निकले। वैसे मुझे ऐसा काफी हाई होप्स, ऐसा लग रहा है कि ये काफी अच्छा निकल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि काफी वियर्ड, लेकिन स्लाइस ऑफ लाइफ सुपर नेचुरल सीनिंग है इसके जॉनरा में, तो क्या पता अच्छा भी निकल सकता है, बहुत अच्छा भी निकल सकता है, देखते हैं। स्टोरी तो इंटरेस्टिंग है। और हाँ, एक और था सेस्टस द रोमन फाइटर। मैंने इसका स्टोरी पढ़ा, मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, लेकिन जब मैंने इसका टीजर देखा मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि ये 3D एनिमे है। अब आप बोलोगे 3D जरूरी थोड़ा ना बेकार हो, तो ऐसा नहीं है। आप इसका टीजर देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि ये बेकार है, एटलीस्ट एनिमे। मांगा के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही, अब मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में नए तो सब्सक्राइब करना, और मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।